वो चेक कर यार, इनके चेहरे पे कितना सुकून है, न जाने कहां से आ जाता है इतना सुकून। मैं तो मर जाऊंगा, मेरा बाप तो मुझे कत्ल कर देगा अगर इस बार भी मेरी सप्ली आई तो। मैं तो सुनते ही मर गया था, तेरी वजह से फिदी, तेरी वजह से मैंने तैयारी नहीं की, काश मैं तेरी बातों में ना आया होता। कमे तो तुम लोग यार, बोला भी था थोड़ी तैयारी कर लेते, अरे कुछ नहीं तो गाइड ही रख लेते अपनी शर्ट या ट्राउजर्स में। अब मरो सारे तो अब क्या करेंगे, अब क्या खामोशी से घर घर खेलो। घर घर खेलो, हाँ सही कह रहे हो, पेपर खत्म होने में अभी 1.5 घंटा बाकी है, घर पे जाके क्या बोलोगे तुम लोग। मेरी जान, यहाँ पे भी हमें कोई बैठने नहीं देगा ना। अच्छा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आ जाओ, चल चलो, आ जा फिदी, आ जा, कुछ नहीं होता, आ जा। भाई मैंने तो निसार से कह दिया है कि शादी का सारा इंतजाम बाहर लॉन में रखे, जो मेहमान कमरों में घुसते हैं ना मुझे बिल्कुल पसंद। बुशरा ये मिठाई यहाँ क्यों रख रही हो, जाके किचन में रख कर आओ। हद होती है वैसे बुशरा, मुलाजमों से काम कराना मुझे ब्लड प्रेशर करके रख देंगे, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। अरे बुशरा, बुशरा वो देखो बाहर जाके बच्चा गिर जाएगा, या खुदाया जल्दी जाओ। ये मुलाजिम मुझे पागल कर देंगे, मेरी तो दुआ है साथ खैरियत से शादी गुजर जाए किसी तरह इंशाल्लाह। तो पहुंची के नहीं पहुंची भाभी, फकीरा भाभी। हाँ माही यहाँ हूँ। भाभी मैंने अपना सारा सामान छान मारा है, लेकिन मेरा वो नीला दुपट्टा नहीं है। नीला? वो तो मैंने फकीरा से कह के खुद रखवाया था, अच्छी तरह चेक करो वही होगा। मैंने 10 बार देख लिया अपने सारे सामान में नहीं है। अब मुझे बताएं मैं रात को ढोलकी में क्या पहनूंगी, मुझे वही नीला जोड़ा पहनना है बस। फकीरा, फकीरा जी, मेरा वो नीला जोड़ा रखा था कपड़ों में। माही बीबी मुझे तो बड़ी सरकार ने दूसरे काम पे लगा दिया था ना, वो मैं तो जोड़े टांक रही थी, पूरे 52 जोड़े भेजे हैं रिधा बीबी के लिए, पूरे 52 जोड़े। और आपका काम तो वैसे भी असगरी देख रही थी। देखा भाभी, देखा मेरे रंग में भंग डाल दिया ना। बस अब तय हो गया, मैं रिधा की ढोलकी में नहीं बैठने वाली। ओहो माही क्या हो गया है, आते ही फड्डा करना शुरू कर दिया तुमने। आंटी हमेशा मेरे साथ यही होता है, मेरे आधे कपड़े छोड़कर आ गई है ये। अरे इतने सारे तो कपड़े लेकर आई हो, उनमें से कोई भी पहन लो ना, नाराज क्यों हो रही हो। नहीं मुझे वही नीला जोड़ा पहनना है जिसका दुपट्टा ये घर पर छोड़कर आ गई है। कोई बात नहीं माही, तुम मेरे नीले जोड़े का दुपट्टा पहन लेना, वो वैसे भी तुम्हारे सूट के साथ बिल्कुल मैच करता है, तुमने भी अपनी जिद की आदत बिल्कुल नहीं छोड़ी। तो मेरी दोस्त हो ना, जानती हो ना मेरे बारे में, मैं जब कुछ सोच लेती हूँ तो उससे हटकर कुछ भी हो मुझे नहीं पसंद। माही, माही क्या हो गया माही, मुंह क्यों बन गया तुम्हारा। अच्छा चलो उठो, तैयार हो मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए नया दुपट्टा ले आते हैं, ठीक है। माही मिल जाएगा ना यार, आओ तो सही। यार नहीं मिलेगा, वो एग्जैक्ट मैच था यार, मैं बता रही हूँ मिल जाएगा। चलो उठो, शाबाश, उठो चलते हैं ना।